हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भाग। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले रूट का जोड़। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रूट पाँच को जोड़ना है रूट पाँच के साथ, ठीक है। यहाँ देखिए रूट के अंदर में पाँच है, यहाँ भी देखिए रूट के अंदर में पाँच है, दोनों जगह क्या है सेम नंबर है, दोनों जगह सेम नंबर। रूट के अंदर में अगर सेम नंबर नहीं रहेगा तो आप उसे आसानी से नहीं जोड़ पाओगे, उसको आसानी से नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर रूट के अंदर अगर सेम नंबर है, एक जैसा बराबर नंबर, ठीक है, तो उसको आप आसानी से जोड़ सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए रूट पाँच, यहाँ देखिए रूट पाँच। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रूट पाँच जो है ना, तो इसके आगे में कुछ तो गुना होता है ना। यहाँ पर देखिए क्या गुना है, तो एक गुना है। यहाँ भी देखिए क्या गुना है, तो एक गुना है, मतलब एक गुना रूट पाँच। यहाँ भी देखिए एक गुना रूट पाँच है, ठीक है। जितने भी संख्या होते हैं ना, जैसे छः सात आठ, इसके आगे में जो है ना एक क्या है, तो गुना है। क्या है फ्रेंड्स, एक गुना है। या फिर ऐसे आप समझ सकते हो एक्स वाई जेड, इसके आगे में भी क्या है, तो एक गुना है, ठीक है। किसी भी नंबर रहे, किसी भी वेरिएबल, चर या अचर, उसके पहले जो होता है ना क्या होता है, एक गुना होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिए, आपको याद भी रखना पड़ेगा इसको। अगर इसको आप याद रखते हो तो आपको बहुत आसानी होगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक गुना है इसके पहले, यहाँ भी एक गुना है इसके पहले। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए दोनों सेम है ना, तो उसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रूट पाँच है, रूट पाँच, तो यहाँ पर हम लोग रूट पाँच लिख लेंगे और इसके आगे में एक, यहाँ भी एक, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। एक और एक कितना हो गया, तो यहाँ हो गया दो, मतलब रूट पाँच कई ठो है, दो ठो है, तो यहाँ हम लोग दो रूट पाँच इसको लिखेंगे। हो गया ना, ये आसानी से इसको हम लोग जोड़ दिए। देखिए रूट पाँच को जोड़े रूट पाँच के साथ, तो दो गो रूट पाँच आ गया, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। फिर देखिए अगला यहाँ पर दिया है रूट तीन प्लस तीन रूट तीन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर एक तो गुना है, ये तो आप समझ ही रहे हो, रूट तीन के पहले एक गुना है, मतलब यहाँ रूट तीन एक ठो है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, तो रूट तीन तीन ठो है। तो बताइए ऐसे भी आप समझ सकते हो कि रूट तीन यहाँ तीन ठो है, रूट तीन यहाँ एक ठो है, तो बताइए टोटल कितना हुआ, तीन ठो और एक ठो चार ठो। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, चार रूट तीन, मतलब यहाँ से एक और यहाँ से तीन, तीन और यहाँ से एक, चार, तीन और एक चार, चार रूट तीन, ये हो गया ना इसका आंसर। आ गया देखिए आसानी से, चार रूट तीन, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए आगे, फिर यहाँ पर देखिए पाँच रूट दो प्लस रूट दो। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रूट दो कितना है, तो पाँच ठो है, और यहाँ पर देखिए रूट दो कितना है, तो कुछ नहीं है, तो क्या है, एक ठो है, मतलब एक गुना रहता है हर किसी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाँच रूट दो और यहाँ पर देखिए एक रूट दो, मतलब रूट दो एक ठो है और यहाँ रूट दो पाँच ठो है। तो टोटल अगर हम लोग जोड़ेंगे तो पाँच और एक कितना हो गया, छः ठो रूट दो हो जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे छः रूट दो, इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर सात रूट सात प्लस चार रूट सात लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रूट सात कितना है, तो यहाँ पर चार रूट सात है, मतलब चार गो रूट सात है। यहाँ पर देखिए रूट सात कितना है, तो यहाँ सात गो रूट सात है, तो सात और चार कितना हो गया, ग्यारह। टोटल कितना हो गया, ग्यारह। क्या ग्यारह है, तो रूट है सात, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए आगे मैंने यहाँ पर पाँच नंबर में देखिए पांचवा उदाहरण मैंने लिया है, दो रूट तीन प्लस तीन रूट पाँच। फ्रेंड्स यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर दो ठो क्या है, रूट तीन है, और यहाँ पर देखिए तीन ठो क्या है, रूट पाँच है। तो देखिए यहाँ पर रूट के अंदर कौन सा नंबर है, तीन है, रूट के अंदर कौन सा नंबर है, पाँच है, दोनों क्या है सेम है, क्या नहीं है सेम। अगर रूट के अंदर समान संख्या नहीं रहेगा तो उसको हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दो रूट तीन और यहाँ से प्लस तीन रूट पाँच। हम लोग इसी रूप में इसको आंसर करेंगे, ये हो गया ना इसका आंसर, इसी रूप में इसको हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग रूट का जोड़ को सीख लिए हैं। अब हम लोग सीखेंगे आगे रूट का घटाव, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया है रूट तीन माइनस रूट तीन,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रूट तीन जो है वो कितना रूट तीन है, तो यहाँ एक से गुना है, मतलब यहाँ रूट तीन कितना है तो एक रूट तीन है, और यहाँ पर देखिए रूट तीन कितना है तो यहाँ भी एक रूट तीन है। तो बताइए यहाँ से एक रूट तीन और यहाँ से एक रूट तीन, यहाँ से दोनों क्या हो जाएगा घटेगा। तो देखिए एक रूट तीन में एक रूट तीन घटेगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। मतलब एक रूट तीन में एक रूट तीन घट जाएगा तो क्या हो गया, वो जीरो आ गया। ये हो गया इसका आंसर। फिर आगे देखिए मैंने यहाँ पर लिया है पाँच रूट तीन, ठीक है पाँच रूट तीन है, मतलब रूट तीन या पाँच तो है, और यहाँ पर देखिए रूट तीन कितना है तो यहाँ कुछ नहीं है तो गुना एक है। तो देखिए रूट तीन यहाँ एक ठो है और रूट तीन यहाँ पाँच ठो है, तो पाँच ठो में एक ठो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, बचेगा चार, और इधर क्या है तो रूट तीन। क्यों? क्योंकि यह समान संख्या है इसलिए ये आसानी से ये घट रहा है, ठीक है। असमान संख्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो फिर उसको हम लोग आसानी से नहीं घटा पाएंगे, फिर उसी रूप में हम लोग को आंसर करना होगा। फिर देखिए अगला मैंने यहाँ पर लिया है तीन रूट सात, मतलब रूट सात तीन जो है इसमें से घटाना है दो गो रूट सात, ठीक है। तो देखिए तीन गो रूट सात में दो गो रूट सात घटेगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा कितना, एक गो रूट सात बचेगा, कितना बचेगा एक रूट सात बचेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक से गुना है ना, इसको हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं, सीधा सीधा हम लोग एक ना लिख के यहाँ पर रूट सात करके इसको आंसर कर देते हैं, क्योंकि एक तो किसी में भी गुना होता ही है, चाहे वो चर रहे चाहे अचर रहे चाहे फिर वो रूट में रहे, ठीक है। फिर आगे देखिए मैंने यहाँ पर सात रूट तीन लिया है, ठीक है। तो सात रूट तीन में कितना, तीन रूट सात को घटाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि रूट के अंदर में क्या है, तीन है, और यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर में सात है, यहाँ पर अलग यहाँ पर अलग, असमान संख्या है, अलग अलग नंबर है यहाँ पर, है ना, इसलिए इसको हम लोग नहीं घटा पाएंगे, इसको हम लोग घटा नहीं पाएंगे। तो करेंगे क्या, तो बस उसी फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, उसी रूप में इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया देखिए सात रूट तीन माइनस तीन रूट सात, जैसा क्वेश्चन था वैसा इसका आंसर हो गया, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रूट का घटाव भी सीख चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे रूट का गुना और रूट का भाग। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे रूट का गुना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रूट सात को गुना करना है रूट सात के साथ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स रूट सात के पहले कितना गुना है, तो यहाँ पर एक गुना है, यहाँ भी देखिए रूट सात के पहले कितना गुना है तो एक ठो गुना है, मतलब संख्या एक गुना है, ठीक है। इसका कोफिशियंट गुणांक क्या है, एक है। तो देखिए यहाँ भी रूट सात एक ठो है, यहाँ भी रूट सात एक ठो है। तो देखिए इसमें जोड़ तो है नहीं, जो कि एक ठो एक ठो हम लोग जोड़ देंगे दो ठो रूट सात कर देंगे, ये रूट का गुना है। तो इसमें देखिए एक को एक से गुना करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बस एक का एक ही तो होगा, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ पर एक नहीं देंगे, ठीक है, एक तो छुपा हुआ रहता ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, रूट सात और रूट सात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर सात हो जाएगा। तो कैसे होता है फ्रेंड्स देखिए, तो रूट सात को अगर हम लोग गुना करेंगे तो इस तरीके से होगा, देखिए रूट सात को सात गुना सात, मतलब दोनों संख्या को क्या किए, रूट के अंदर में लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो रूट के अंदर में कितना हो जाएगा, साते साते उनचास, ये उनचास हो गया, तो रूट उनचास का मान ही होता है सात, क्या रूट सात क्या, तो रूट उनचास का मान, मतलब वर्गमूल उनचास का मान कितना होता है, सात होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सात लिख दिया है, ठीक है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए रूट दो को गुना करना है दो रूट तीन के साथ। अब देखिए रूट दो को दो रूट तीन के साथ गुना करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में दो है, यहाँ देखिए रूट के अंदर में तीन है, तो क्या जोड़ जैसा भी इसमें भी होगा कि रूट के अंदर में अलग अलग संख्या रहेगा तो गुना नहीं होगा, उसमें तो जोड़ नहीं होता था ना, घटाव भी नहीं होता था, लेकिन गुना वाला में ऐसा नहीं है, गुना वाला में गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे रूट दो को गुना करेंगे दो रूट तीन के साथ, तो यहाँ पर देखिए रूट तीन का आगे में कितना गुना है दो, और रूट दो के आगे में कितना गुना में है, तो यहाँ पर है एक, मैंने आपको जैसे पहले बताया, देखिए तो यहाँ एक वाला मतलब गुणांक वाला गुणांक के साथ, इसका गुणांक ये है इसका गुणांक ये है, मतलब रूट तीन का गुणांक कौन है दो है, और रूट दो का गुणांक कौन है एक है,
तो दो को गुना करेंगे एक के साथ तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दो। ये गुणांक को हम लोग गुना किए। अब देखिए यहाँ पर रूट दो को गुना करेंगे रूट तीन के साथ, तो दो तिया छः, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर में छः। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रूट के अंदर में छः। तो इसका आंसर आ गया दो रूट छः। ऐसे हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो और तीन ये गुना कर दिए इसको इस तरीके से, देखिए दो तिया छः, तो ये रूट छः हुआ और पहले से दो था, दो रूट छः। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि रूट के अंदर में हम लोग दोनों को लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट के अंदर में था, ये भी रूट के अंदर में था। ठीक है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए पाँच रूट दो है और गुना करना है तीन रूट दो के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके साथ जो गुना है ना, गुणांक उसी को बोलते हैं, जो गुना में रहता है उसको गुणांक बोलते हैं, कोफिशियंट। तो रूट दो का गुणांक कौन है, तीन है, और यहाँ पर देखिए रूट दो का गुणांक कौन है, पाँच है। तो यहाँ पर पहले हम लोग गुणांक को गुना करेंगे, तीन पाँचे पंद्रह, या फिर आप इसे कह सकते हो पाँच तीया पंद्रह, तो आप यहाँ पर पंद्रह लिख दीजिए। उसके बाद देखिए रूट दो को रूट दो के साथ गुना करेंगे, तो देखिए रूट दो के साथ दो को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट दो को गुना करना है रूट दो के साथ, तो रूट दो को दो के साथ गुना करेंगे, इसको हम लोग दोनों दो को अंदर कर देंगे, दो गुना दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, दो दूनी चार। अब देखिए रूट चार का मान कितना होता है, तो दो होता है, इसलिए इतना सॉल्यूशन ना करके डायरेक्ट क्या कर देंगे हम लोग, रूट दो को रूट दो के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पंद्रह दूना ये तीस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। जैसे देखिए कोई समान संख्या रहेगा, जैसे रूट तीन को गुना करेंगे रूट तीन के साथ तो ये आ जाएगा तीन, रूट पाँच को रूट पाँच के साथ गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये पाँच आ जाएगा, रूट छः को गुना कीजिएगा रूट छः के साथ तो ये छः आ जाएगा। मतलब समान संख्या में अगर वो सम में गुना हो रहा है, मतलब दो बार गुना हो रहा है, तो वो वही संख्या वापस आ जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें है सात रूट तीन और रूट तीन के साथ गुना करना है, सात को रूट तीन को एक और रूट तीन के साथ गुना करना, तो सात एका सात, या गुणांक को हम लोग गुना करेंगे पहले, तो सात एका सात या सात हो गया। अब रूट तीन को रूट तीन के साथ गुना करेंगे तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो बताइए, अभी तीन ही होता है, क्योंकि वो तीन तिया नौ हो जाएगा, नौ का वर्गमूल तीन आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, सात तिया इक्कीस, ये इक्कीस हो गया इसका आंसर। अब देखिए फिर यहाँ पर तीन रूट पाँच है, इसको गुना करना है पाँच रूट दो के साथ, तो करना क्या है, देखिए इसका गुणांक को पहले गुना करेंगे, पाँच तिया पंद्रह हो गया। अब देखिए रूट पाँच को रूट दो के साथ गुना करना है, क्या करना है फ्रेंड्स, रूट पाँच को रूट दो के साथ गुना करना है, तो दोनों को अंदर कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पंद्रह हो गया, अब यहाँ से गुना पाँच दूनी कितना हो गया दस, तो ये हो गया रूट दस। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, गुणांक हटा देंगे, पंद्रह रूट दस। ठीक है, इसको गुणांक कर दिए, पाँच को पाँच को तीन से गुना किए, पाँच तिया पंद्रह, ये पंद्रह आ गया, और रूट पाँच को रूट दो के साथ गुना किए तो पाँच दूनी कितना हो गया दस, तो ये रूट दस आ गया, तो पंद्रह रूट दस ये निकल के आ गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रूट का गुना भी अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग रूट का भाग। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, हार्ड नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, समझ जाइएगा। देखिए रूट दो को भाग करना है रूट दो के साथ, तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि दो को भाग देना है दो के साथ, तो इस तरीके से लिखा होगा, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से भाग लगाते हो, दो का पहाड़ा, ये दो का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि दो आएगा। ठीक है, तो कितने बार में, एक बार में, इस तरीके से आप आंसर करते हो। या फिर फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि भाग को हम लोग अंश बटा हर में भी लिख सकते हैं, कैसे, तो देखिए ये दो है तो इसको ऊपर में लिखेंगे, और ये जिससे भाग दिए वो क्या होगा, वो नीचे लिखेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे, और जिसको भाग दे रहे हैं वो ऊपर। ठीक है, ये पहले वाला पहले, ये बाद वाला इधर, ये नीचे, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, दो एका दो, दो एका दो, एक बटा एक आ गया, इसका आंसर क्या आया, एक। इस तरीके से भी हम लोग इसका आंसर एक लाएँ, इस तरीके से भी इसका आंसर एक लाएँ, मतलब भाग को हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए रूट दो को ना
रूट दो के साथ हम लोग इसको भी हम लोग क्या करेंगे अंश बटा हर में रूट दो को ऊपर लिखेंगे ऐसे, और बट्टा में क्या करेंगे इस रूट दो को भी नीचे लिखेंगे रूट दो। अब देखिए रूट दो और रूट दो क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो गया इसका आंसर, एक आ गया। ठीक है, क्योंकि समान था, ये भी रूट दो ये भी रूट दो, कट गया तो आंसर एक, ऊपर नीचे करता है तो एक। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए दो रूट तीन को भाग देना है रूट तीन के साथ, तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग अंश बटा हार मतलब भिन्न में लिख लेते हैं। देखिए दो रूट तीन पहले लिखेंगे, दो रूट तीन और बट्टा में क्या लिखेंगे रूट तीन, यहाँ पर रूट तीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता ही होगा कि दो और रूट तीन के बीच में कौन सा संबंध है, तो गुना का संबंध है, तो आप क्या कर सकते हो रूट तीन को और रूट तीन को काट सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये दो हो गया इसका आंसर। ठीक, अब देखिए ये हो गया इसका आंसर। अब आगे देखिए तीन नंबर में रूट पाँच को भाग देना है तीन रूट पाँच से, तो क्या करेंगे इसमें, तो इसको लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे रूट पाँच और नीचे हम लिखेंगे तीन रूट पाँच, ऊपर देखिए रूट पाँच नीचे में भी देखिए रूट पाँच, यहाँ तो गुना का चिन्ह है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर रूट पाँच और नीचे रूट पाँच को काट देंगे। तो देखिए ऊपर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है, ऊपर में एक बचता है और नीचे तीन, एक बटा तीन हो गया इसका आंसर। ठीक है, फिर आगे देखिए छः रूट दो को भाग देना है तीन रूट दो के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे छः रूट दो को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे तीन रूट दो को लिख लेंगे नीचे तीन रूट दो। तो यहाँ भी देखिए यहाँ गुना चिन्ह है, यहाँ भी गुना चिन्ह है। ठीक, अब देखिए रूट दो से रूट दो कट जाएगा, अब यहाँ तीन से तीन एका तीन और तीन दूनी छः ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर में दो आ गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करने मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसे भी इस वीडियो का लाभ मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।